रसूमा चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि विजयनगर थाने के जांच अधिकारी ने गुरुवार दोपहर बताया कि हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग का नाम मनसुख लाल है। बुधवार की रात मनसुख लाल मालवीय नगर से विजयनगर अपने घर जा रहे थे, तभी रसूमा चौराहे पर तेज रफ्तार ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान देर रात बुजुर्ग की मौत हो गई। दादा बताएं क्या मामला? मामला ये था कि हमारे श्रीमान जी जीजा श्री थे, मैं उनका साला ही हूँ, तो वो खाना खा के मतलब बेटी को वहाँ से खाना खा के आ रहे थे और रसमा चौराहे से गुजरे तो पीछे से कार वाले ने उनको टक्कर मारी तो गिरे मतलब, तो वहाँ के लोगों ने कार वाले को पकड़ लिया। उसके बाद मेहनता हॉस्पिटल में कार वाले को भी ले गया और वहाँ एडमिट किया। 70 करीब है उनकी उम्र। मनसुख लाल जी कुशवा, वो पहले मिल में थे, रिटायर हो गए थे। अब मेरा नाम अशोक कुशवा है, मैं उनका साला हूँ। दादा एक मर्ग का मृतक इसमें मनसुख लाल पिता कन्हैया लाल कुशवा उम्र 70 साल निवासी 411 विजयनगर इंदौर। कल रात को ये वाहन दुर्घटना में घायल होने से मुंबई में वास्ते इलाज आए थे। रात को 2:10 में इनकी मृत्यु हो गई है। मर्ग क्रमांक 39/2021 कायम करके विवेचना में लिया गया है। सर कहाँ से आ रहे थे ये मालवीय नगर से निकल के अपने घर विजयनगर जा रहे थे। रसोमा चौराहे पे वाहन से इनका दुर्घटना हुई है। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उम्र 70 साल है इनकी। आपका नाम? मैं प्रधान आरक्षक राजेंद्र वंशी थाना विजयनगर।